नवंबर के बाद कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए कि अगर आपको एग्जाम में 95% जैसे नंबर लाने हैं, क्या होता अगर अंशिका अपना सिर्फ और सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ती रहती। एमपी बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ कटते हैं। खुद का रूटीन बनाइए, खुद से बनाइए और खुद फॉलो कर सके ऐसा बनाइए। 12वीं क्लास में 95% क्या होता है, 95% लगकर के क्या मिल जाएगा, 95% लगकर के चलिए मैं बताता हूँ। तो आप शायद अपने स्कूल के या हो सकता है पूरे जिले के टॉपर बन जाएंगे 95% ला करके। जो रिश्तेदार पूरे साल आपको ताना देते हैं ना कि और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, उन रिश्तेदारों को कॉल बैक करके थोड़ी सी आग लगाने का मौका मिल जाएगा आपको 95% ला करके। जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हो वो शायद आपसे मिलने आएंगे, या हो सकता है आपका इंटरव्यू लेने ही आ जाए। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर मिलने वाले से हर फोन कॉल पर आपके माँ बाप प्राउडली बताएंगे कि मेरे बच्चे के 95% आए हैं। उनको ये खुशी देने का मौका ये मिल जाएगा आपको 95% लाकर। पर भैया अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी तो जीवन में थोड़े से मजे करना स्टार्ट किए हैं, क्या जुलाई से पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एग्जाम आपकी भले ही मार्च या अप्रैल में होने वाली है, लेकिन नवंबर के बाद कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड रिविजन, कितना कुछ है करने के लिए, टाइम कहाँ है आपके पास। और जो थंबनेल में 95% देख करके आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उतने नंबर लाने के लिए पूरे सिलेबस को कम से कम दो बार आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और आपके वो जो दोस्त है ना, हाँ वही वाले जो एग्जाम के पहले कहते हैं कि नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन पेपर पूरा करके आते हैं, वही वाले दोस्त समर वेकेशन में मैथ्स और साइंस को अपना निपटा चुके हैं, और आप जुलाई के महीने में पूछ रहे हैं कि जुलाई से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मस्ती का टाइम गया और अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो 95% लाते कैसे हैं, कौन बताएगा और कौन सबसे अच्छा बताएगा? अरे वही बताएगा जिसने 95% स्कोर किए हैं। तो हमने बात करी हमारे पिछले साल के टॉपर्स से, और उनसे बात करने के बाद हमें समझ में आया कि अगर आपको एग्जाम में 95% जैसे नंबर लाने हैं तो ये पांच चीजें तो आपको अभी से करना चालू करनी पड़ेगी। तो मैं संदीप भैया, असली संदीप भैया, आपके लिए लाया हूं टॉपर्स की वो बातें जो अगर आपने जुलाई मंथ से फॉलो करना चालू कर दी तो मार्च या अप्रैल में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल, रूटीन कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कई सारे लोग होंगे जो सुबह उठ के पढ़ते होंगे, कई सारे होंगे जो लेट नाइट पढ़ते होंगे। तो अगर मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल यहाँ पर बनाऊं और थंबनेल लगा दूं कि ये टाइम टेबल आपको दिलाएगा 95%, कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर किसी को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके स्कूल और कॉलेज के अलावा भी सेल्फ स्टडी के लिए आप 4 से 5 घंटे रखें। अब आप क्या करिए, इस 5 घंटे को छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आपके कुछ स्लॉट्स सुबह कवर हो जाएंगे, कुछ स्लॉट्स शाम को कवर हो जाएंगे, और आप अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ पाएंगे। तो क्या समझे इससे कि खुद का रूटीन बनाइए, खुद से बनाइए और खुद फॉलो कर सके ऐसा बनाइए। टाइम टेबल बनाने का साइंटिफिक तरीका तो आपको पता लग गया, पर क्या सिर्फ इतने से 95% आ जाएंगे? नहीं ना। टाइम टेबल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट्स बनाना। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, नवंबर तक आपको अपना सिलेबस करना है। रफली 220 दिन बचे हैं आपके पास, तो अपने इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट हैं उनके टोटल चैप्टर्स निकालिए, 220 से उसको डिवाइड करिए, रफली 6 दिन आएंगे। हाँ जी 6 दिन, सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा आपको एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए। अरे इतना तो आप सोचने में लगा देते हैं। तो करना क्या है, अपने डेली और वीकली टारगेट्स बनाइए, चैप्टर्स को मेजर करिए, टाइम से फिनिश करिए, और आपके रूटीन से आप मिस ना हो इसको ट्रैक करने का एक बहुत अच्छा मेथड है मेरे पास, जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए। आपको पता है अंशिका मिश्रा का फेवरेट सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उनके 100 में से 100 नंबर भी आए, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में 98 और मैथ्स में 99 नंबर भी आए। क्या होता अगर अंशिका अपना सिर्फ और सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ती रहती, क्या वो एमपी बोर्ड की टॉपर बन पाती? नहीं ना। हमने कुछ बच्चे देखे हैं, अगर उनका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है तो पूरे टाइम बायोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे। जैसे बायोलॉजी ना हो गया, इंस्टाग्राम की रील हो गई कि एक बार स्क्रॉल करना चालू किया तो रुक ही नहीं पा रहे हैं। समझने वाली बात क्या है कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को भी बराबर टाइम दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएं। अब आप बोलेंगे कि संदीप भैया हमारे तो कभी 90+ भी नंबर नहीं आए, 95+ कैसे लाएंगे? चलो देखो बेटा, ऐसा होता है कि टॉपर दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो बचपन से ही टॉपर होते हैं, हर क्लास में टॉप करते हैं, लेकिन दूसरे वो बच्चे भी होते हैं जो क्लास बाय क्लास इंप्रूव करते हैं और आगे जाकर के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप वो पहली कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी तो बन सकते हैं। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। तो रेगुलर इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपनी पिछली गलतियों से सीखें और डे बाय डे ट्रैक करें कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। अब आप बोलोगे संदीप भैया ये तो जीवन का ज्ञान हो गया, एमपी बोर्ड में कैसे अप्लाई होगा? अरे तो सुनो, एमपी बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ कटते हैं? लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, यानी कि सब्जेक्टिव आंसर में। ऑब्जेक्टिव में तो या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर्स में क्या होता है, आपके मार्क्स कटते भी हैं लेकिन कभी नहीं पता लगता कि कहाँ कट गए मार्क्स। उसी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं। अरिविहान पर जाइए, हमारा एक फीचर है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर चेकर फीचर। अपने आंसर को आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसकी फोटो खींच के हमारी एप्लीकेशन में अपलोड कर दीजिए। अब AI चेक करके आपको ये बताएगा कि अगर सेम आंसर आप बोर्ड में लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, कहाँ पर कट गए आपके मार्क्स, और अगर आंसर को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलने लगें। तो जुलाई महीने से ही इस फीचर का यूज़ करो, अपनी प्रोग्रेस को रेगुलर ट्रैक करो, ताकि नवंबर मंथ आते आते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और सब्जेक्टिव आंसर्स में पूरे नंबर आपको मिलने लग जाए। अब इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पढ़ा, समझ भी पूरा आ गया, लेकिन जैसे ही सॉल्व करने गए फॉर्मूला भूल गए। आपके साथ होता है ना, याद तो बहुत सारा करते हैं पर याद रहता कुछ नहीं है। मुझे पता है आपके साथ भी यही होता है, क्योंकि हर साल आप जुलाई में सोचते हो कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फरवरी में फिर रिविजन करने बैठूंगा। लेकिन होता क्या है, फरवरी आते आते सिलेबस भी नहीं हो पाता, अगर हो भी गया जैसे तैसे तो रिविजन का टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाता आपको। तो सॉल्यूशन क्या है, पढ़ाई करते करते रिविजन भी साथ साथ में करिए। हर हफ्ते हर महीने रिविजन के लिए अलग से टाइम निकाल करके रखिए। अब इस ग्राफ को देखिए, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ रिविजन करते हैं तो कितनी सारी चीजें आप याद रख पाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप पढ़ाई के साथ रिविजन नहीं करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप चीजें भूलने लग जाएंगे। हाँ भैया, पर फॉर्मूलेस का क्या? अब देखो, उसके लिए एक काम करो, घर में जो भी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आपका बार बार ध्यान जाता है, आपकी स्टडी टेबल, आपके बेड साइड, आपका हॉल, जहां पर भी आपकी बार बार नजर जाती है, चैप्टर्स को पढ़ो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वहां पर लिख दो। घर में आते जाते हर बार उस पर नजर पड़ेगी और हर बार आप फॉर्मूले याद करो। जुलाई से ये करना स्टार्ट कर दो, नवंबर आते आते आप फॉर्मूले भूलना ही भूल जाओगे। तो बच्चों, क्या सीखा हमने आज के इस वीडियो में? अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टारगेट बनाइए, एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा मत पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, रेगुलर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिविजन करते रहिए रेगुलरली। माना कि हम जुलाई में हैं, थोड़ा लेट शायद हो चुके हैं, लेकिन इतने लेट नहीं हुए हैं कि हम 95% अब ना ला पाएं। अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ेंगे तो हम अभी भी 95% ला सकते हैं। तो वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो और यहाँ तक सारी चीज़ें देख ली है, समझ ली है, तो कुछ तो स्पेशल बनता है ना। हाँ तो है स्पेशल, 2024 में कई सारे टॉपर्स देने के बाद अरिविहान लाया है 2025 की अपनी उन्नति बैच। इस बैच में हम आपका कवर करेंगे 12वीं का पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के टेस्ट सीरीज तक सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ मिलेगा एक पर्सनल मेंटर भी। और ये सब मिलेगा आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस पर कि किसी दूर गांव में बैठा अगर बच्चा भी पढ़ना चाहे तो पैसा उसके आड़े ना आ सके। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरा कूपन कोड असली30, जिसको लगाने के बाद आपको मिलेगा असली का 30% डिस्काउंट प्राइसिंग पर। तो जल्दी से जाइए और एनरोल करिए इस बैच में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना टारगेट कर रहे हैं एमपी बोर्ड की एग्जाम में, और क्या आप सच में ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।